आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। और मुझे याद है कि होली में मैं जहाँ पर रहती थी इंडिया में, तो वहाँ लोग निकलते नहीं थे, बाद में वो अपने आप को इसको दिखाने की कोशिश करते थे कि ये तो ऐसे ही है फेस्टिवल और इससे गंदगी होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पानी भी देर से आता था। मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स, चाहे कोई निकले या ना निकले, वो हमेशा जो है मेरे पेरेंट्स निकलते थे घर से और वो एक ग्रुप बनाते जाते थे और हर एक के हमारे पड़ोसी के घर जाते थे। तो मेरे पेरेंट्स ये नहीं सोचते थे कि भाई ये होली पर कोई नहीं निकल रहा, वो खुद जो है वो मतलब क्या बोलते, इनिशिएटिव लेते थे और खुद स्टार्ट करते थे और फिर लोग जुड़ते जाते थे और उनकी मंडली बढ़ती जाती थी, फिर वो घर घर जाते थे, होली खेलते थे। तो चाहे कोई आए या ना आए, मेरे पेरेंट्स हर हर वर्ष करते थे। और मेरा जो स्कूल था वो तो एग्जाम्स रख देता था फौरन ही उसके बाद, ताकि लोग होली ना इंजॉय कर सकें। आपको पता ही है क्रिश्चियन स्कूल्स में ऐसे करते हैं वो लोग, एग्जाम्स और ये सब कुछ आपके जो उत्सव है उसके बाद रख देते हैं, ताकि आप जो हैं वो इन त्योहारों को में ज्यादा समय ना बिताएं। तो मेरे साथ भी यही था, लेकिन मैं फिर भी सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आज मुझे उस बात का महत्व तो समझ में आया है कि होली में जो है वो निकलना चाहिए बाहर और लोगों को होली के रंग जरूर लगाना चाहिए, चाहे कोई आप अकेले ही हो, आप अकेले ही करें, धीरे धीरे आप लोगों को जोड़ने लगेंगे। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है। और मेरे पास कोई गुलाल वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए होली पे, तो मुझे रंग बिरंगा कुछ नजर आ गया, तो मैंने कुछ प्रयास किया है। और नागेंद्र जी, आपको बहुत होली मुबारक। अभी कोई ज्यादा व्यूअर्स नहीं है, तो शायद ये टाइम लोगों को सूट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता। तो आज हमारा फिजिक्स इन सुरेंद्र लव जी, आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। तो हमारा फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान खत्म हो गया है वेदों में, और अब हम आज से रसायन विज्ञान शुरू करेंगे जो है केमिस्ट्री। तो थोड़ी सी स्लाइड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज का टॉपिक है जल, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो जो अथर्ववेद है वो कहता है कि जल में अग्नि है और सोम हाइड्रोजन दोनों हैं। ये अथर्ववेद के तीसरे मंडल के 13वें अध्याय का 5वां मंत्र है, अग्नि शोमो विभ्रति आप इतता, यानी कि जल में अग्नि। अब आपको पता है अग्नि जो है वो एक्चुअली में अग्नि को नहीं बोलते, वो ऑक्सीजन को बोलते हैं। तो जल में ऑक्सीजन और सोम यानी कि हाइड्रोजन दोनों हैं। और यहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि वेदों में ऑक्सीजन के लिए अग्नि और मित्र और वैश्वानर और अग्नि और मातृषा ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये मातृषा वैश्वानर ये सब जो है ये दिखाते हैं ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के लिए हम कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो करते हैं हम सोम जल आपह सलिल वरुण, ये है हाइड्रोजन के लिए। तो अथर्ववेद का 10वें मंडल के 8वें अध्याय का 40वां मंत्र अप्सु आसीन मातृषा प्रविष्टः, और ऋग्वेद के 7वें मंडल का 49th अध्याय का 4था मंत्र है वैश्वानरो यासु अग्निः प्रविष्टः ता आपः। तो यहाँ पर आपः जो है वो सोम हो गया यानी कि वो हाइड्रोजन है, और वैश्वानर ये है ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी मातृषा ऑक्सीजन है। अब देखते हैं जल के क्या सूत्र हैं। तो ऋग्वेद के पहले मंडल का 2रे अध्याय का 7वां मंत्र है मित्रम हुवे पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृता चीम साधनता। तो ऋग्वेद के जो ये श्लोक है इसमें
जल का सूत्र दिया है कि मित्र और वरुण के संयोग से जल प्राप्त होता है। मित्र यानी कि ऑक्सीजन और वरुण यानी कि हाइड्रोजन, तो इनके संयोग से जल प्राप्त होता है। जल का सूत्र ये भी है, तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें अध्याय के 10वें मंत्र से 13वें मंत्र तक जितने भी ये मंत्र हैं इनमें क्या दिया है, तो इनके चारों मंत्र में ये विषय को स्पष्ट किया गया है कि इन मंत्रों में कहा है कि एक कुंभ में मित्र वरुण का रेत वीर्य कण उचित मात्रा में एक ही समय में डाला गया और इससे अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ। इस कार्य के लिए विद्युत का प्रवाह यानी विद्युतो ज्योति छोड़ा गया, विद्युतो ज्योति छोड़ा गया। अगस्त्य और वशिष्ठ उर्वशी विद्युत के मन से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर एक बात और बता दें, प्राचीन समय ये जो थे जैसे ब्रह्मा भी उनके 10 पुत्र हुए केवल मन से उत्पन्न हुए, मन के संकल्प से। तो ये लोग सेक्स करके नहीं उत्पन्न होते थे, ये लोग इस प्रकार से उत्पन्न होते थे, जो बहुत ही बहुत ज्यादा जो ब्रह्म के निकट हैं वो लोग इस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो अगस्त्य और वशिष्ठ जो हैं वो उर्वशी यानी विद्युत के मन से उत्पन्न हुए। उर्वशी जो है वो विद्युत है, उसके मन से ये अगस्त्य और वशिष्ठ जो हैं वो उत्पन्न हुए, इसलिए ये उर्वशी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न। और मंत्र में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मित्र और वरुण से जल यानी वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उनमें चंचलता उत्पन्न नहीं की जाती तब तक जल नहीं बनेगा। मंत्रों में कुंभ और पुष्कर शब्द परख नली यानी टेस्ट ट्यूब का संकेत करते हैं। तो जो ये कुंभ है, कुंभ और पुष्कर, ये पुष्कर शब्द और कुंभ शब्द, ये दोनों जो है वो परख नली यानी टेस्ट ट्यूब का संकेत करते हैं। अतएव अगस्त को कुंभज या घड़े से उत्पन्न कहा जाता है। तो अगस्त को, महर्षि अगस्त जो थे। उर्वशी शब्द का अर्थ है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये उरु यानी विशाल क्षेत्र में अशी यानी व्याप्त है। उर्वशी का संधि विच्छेद करो तो उर मतलब विशाल क्षेत्र और अशी मीन्स व्याप्त, तो ये विशाल क्षेत्र में व्याप्त उर्वशी है। मंत्रों से मित्र ऑक्सीजन और वरुण हाइड्रोजन के साथ उर्वशी एवं विद्युत ज्योति के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का स्पष्ट निर्देश है। और मानस पुत्र कहने का भी अभिप्राय है कि उर्वशी के पेट से नहीं बल्कि उसके मतलब उसके जो वूम्ब से नहीं जन्मे थे वो, अपितु उसके संपर्क में आने से मित्र यानी कि ऑक्सीजन हो गया और वरुण यानी कि हाइड्रोजन का वीर निकल गया और वे जल के रूप में परिवर्तित हो गए। तो मंत्रों में अगस्त और वशिष्ठ नाम जल के लिए हैं, तो इस प्रकार जल का जन्म हुआ। तो ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो है, लर्निंग एक्सपीरियंस। मित्र वरुण वृष्टि करता, तो यजुर्वेद के 2 अध्याय के 16 और शतपथ ब्राह्मण का 1 मंडल का 8 अध्याय के 3 ब्राह्मण का 12 मंत्र, मित्रा वरुणो त्वा वृष्टयात यावताम। तो अंतरिक्ष में जल की उत्पत्ति का क्रम जो है ये निरंतर चलता जा रहा है और इसी से बारिश होती है। और यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में ये साफ साफ दिया हुआ है कि किस प्रकार समुद्र आदि का जल जो है वो भाप बनकर वायु के द्वारा ऊपर आकाश में जाता है। वहां मित्र जो है जो ऑक्सीजन है और वरुण हाइड्रोजन का विद्युत के साथ संपर्क होने पर बादल बनते हैं और उनसे वृष्टि यानी वर्षा होती है।
और मित्र और वरुण का संपर्क ना हो तो न बादल बनेंगे और ना ही वृष्टि होगी। यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में बादलों को जल का सूक्ष्म रूप यानी भस्म कहा गया है। तो बादल जो है वो ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 16वां मंत्र है, मरुताम पुष्टि तीर गच्छ वशा प्रश्चिन भूर्तवा दिवम गच्छ ततो न वृष्टि मा वह अभ्रम वा अपाम भस्म। यह यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 53rd मंत्र और शतपथ ब्राह्मण के 7वें मंडल के 5वें अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का 48th मंत्र। तो बादलों को जल का सूक्ष्म रूप यानी भस्म बताया गया है। अब जल का महत्व और उसके गुण। तो अथर्ववेद 13वें मंडल का 7वें अध्याय का 5वां मंत्र, उसमें बताया गया है कि ये जल जो है वो सभी रोगों का इलाज है और यहां तक कि ये आनुवांशिक हेरिडिटरी बताया है। इस वाले मंत्र में हेरिडिटरी बताया है कि ये हेरिडिटरी रोगों को नष्ट करता है और जल में सोम आदि रसों को मिलाकर सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 23वें अध्याय के 23वें मंत्र में कहा है। और जल के विविध गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल विशेषकर लाभकारी है और हृदय के रोगों में इसका प्रयोग करना चाहिए। ये दिया है अथर्ववेद के 6 मंडल के 24वें अध्याय के पहले मंत्र में। और बहता हुआ जल शुद्ध और गुणकारी होता है और वह मनुष्य को बहुत शक्ति और गति देता है और पौष्टिकता और कर्मठता के लिए शुद्ध जल का सेवन लाभकारी है। ये अथर्ववेद के 6 मंडल 23वें अध्याय के 3रे मंत्र में दिया है। और जल जो है वो बलवर्धक है और शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। ये अथर्ववेद के पहले मंडल के 5वें अध्याय के पहले मंत्र में दिया है। और जल जो है वो मानव मात्र को जीवन प्रदान करता है और ये जीवन का आधार है और जल के बिना मानव का जीवित रहना असंभव है। ये अथर्ववेद के पहले मंडल के 5वें अध्याय के 4थे मंत्र में दिया है। तो जो गहराई से निकालते हैं हम जल वो अति उत्तम होता है और चिकित्सा के लिए भी वो सर्वोत्तम है। ये अथर्ववेद के 18वें मंडल के 19वें मंडल के 2रे अध्याय का 3रा मंत्र कहता है। तो जो जल है उसमें संजीवनी शक्ति है और उसके ठीक उपयोग से मनुष्य 100 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। ये अथर्ववेद के 19वें मंडल के 69th अध्याय के पहला मंत्र कहता है। और जल में अग्नि और सोम दोनों तत्व हैं और इसका प्रभाव तीव्र होता है और आग्नेय तत्व के द्वारा ये प्राण शक्ति देता है और सौम्य तत्व के द्वारा तेजस्विता देता है। तो जो ऑक्सीजन है वो प्राण शक्ति देती है और जो हाइड्रोजन है वो तेजस्विता देता है, ऐसा लिखा है अथर्ववेद के 3रे मंडल के 13वें अध्याय के 5वें मंत्र में। और जल का गुण ये भी है कि पदार्थों को गीला करता है वो और दोषों को निकालता है। ये है अथर्ववेद के 7वें मंडल का 89th अध्याय का 3रा मंत्र। और स्थान और आश्रय के भेद से जल के गुणों में भी भेद हो जाता है। वर्षा का जल जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। ये अथर्ववेद के 7वें मंत्र के 89 अध्याय के पहले मंत्र में दिया है। बहता हुआ जो जल है वो निर्दोष और गुणकारी होता है, ये दिया है अथर्ववेद के 6 मंडल के 23वें अध्याय के पहले मंत्र में। तो जो अथर्ववेद है मैं शरीर विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि शरीर में 8 प्रकार का जल होता है। ये अथर्ववेद के 11वें मंडल के 8वें अध्याय के मंत्र नंबर 29 से लेकर 32 में दिया है कि हमारे शरीर में जो है वो 8 प्रकार के जल हैं, यानी कि शरीर की 7 धातुएं एवं गर्भ अर्थात रस रक्त मांस मैदा अस्थि मज्जा वीर्य और गर्भ, ये सभी जल के विभिन्न रूप हैं। अब जो जल के भेद हैं तो
जो धनवन्य जल, पता है कौन सा होता है, जो रेगिस्तान में पाया जाता है उसे धनवन्य जल कहते हैं। अनूप जल वो होता है जो जलीय स्थान या गड्ढे वाले स्थानों में प्राप्त होता है। खनित्रम जो होता है वो खोदे हुए कुएं का जल होता है। और वार्षिक या वर्ष जल वो होता है जो वर्षा से प्राप्त होता है। हेमवत जल वो होता है जो हिमालय की पर्वत से निकली हुई नदियों का जल है। उत्सय जल कौन सा है, जो स्रोतों या स्रोतों से निकलने वाला जो जल है। सनिष्यद वो है जो निरंतर बहते रहने वाला जल है। सैंधव वो है जो नदियों से प्राप्त होने वाला जल है। और समुद्रीय वो है जो समुद्र से प्राप्त होने वाला जल है। तो ऐसा जो है अथर्ववेद के पहले मंडल के छठे अध्याय के चौथे और 19th मंडल के दूसरे अध्याय का पहला और पहले मंडल के चौथे अध्याय का तीसरा में दिया गया है। और इसमें वर्षा के जल को बहुत अति उत्तम बताया है और शतवर्षण्य यानी 100 गुनी शक्ति वाला बताया गया है। पर्जन्यम शतवर्ण्यम अथर्ववेद के पहले मंडल का तीसरे अध्याय का पहला मंत्र है। वही बात जो मैंने अभी कही कि वर्षा का जल जो है वो अति उत्तम है और शतवर्षण्यम मतलब शतवर्षण्यम मीन्स 100 गुनी शक्ति वाला है। और यजुर्वेद और तैतरीय संहिता में जल के बहुत अधिक भेदों का उल्लेख है, जैसे स्नुत्य यानी छोटे गड्ढों का जल, पथ्य यानी तंग रास्तों से प्राप्त जल, काटे यानी छोटी नहरों का जल, नीपे मतलब तराई की नदियों का जल, कुल्य मतलब नहर का जल, सरस्य मीन्स तालाब का जल, नादे मीन्स नदी का जल, वैशंत मतलब छोटे तालाब का बावड़ी का जल, कूप मतलब कुएं का जल, अवट्य मीन्स छोटे कुएं का जल, हृदय मीन्स बड़ी झील का जल, सूद्य मीन्स दलदल वाली भूमि का जल आदि। ये यजुर्वेद के 16 अध्याय के 37th और 38th में मंत्रों में दिया है। और तैतरीय उपनिषद के चौथे मंडल के 5वें अध्याय के 7वें ब्राह्मण के पहले वर्ष और पहले सूक्ति के दूसरे वर्ष में दिया है और 7वें मंडल के 4 अध्याय के 13वें में दिया है। अब जल में सभी देव तत्व हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72 अध्याय का 6ठा मंत्र है। यद देवा अधः सलिले सुसरंधा अतिष्ठत, यानी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णन है कि जल में सभी देवों यानी तत्वों का निवास है, यानी कि जल जो है वो देवालय है। जल के आधार पर सारा रसायन विज्ञान खड़ा है, मतलब पूरी केमिस्ट्री जो है वो वाटर पे बेस्ड है। जल में देवों को सदा तैयार यानी सुसंरब्धा कहा गया है, यानी कि ये हमेशा तैयार हैं। इसका अभिप्राय है कि जल में जो चाहे परीक्षण कर सकता है जब भी चाहे। और अथर्ववेद के 10वें मंडल के 8वें अध्याय का 40वां मंत्र भी है, प्रविष्टा देवा सलिलानी आसन। तो कोई भी जो है वो जल में कभी भी वो कर सकता है, जल हमेशा तैयार है परीक्षण के लिए। और इससे ये भी पता चलता है कि जल की जो प्रत्येक कणिका है जो यानी मॉलिक्यूल है उसमें छेद यानी पोल है। और जल में शक्कर या नमक की कणिकाएं प्रवेश करती हैं। जल यदि ठोस होता तो उसमें चीनी या नमक नहीं घुस सकता था, जैसे आप चीनी और नमक घोलते हैं, तो इसका मतलब कि उसमें जो है वो पोल है, जल अखंड नहीं है। तो अगला हम देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल का 72 अध्याय का 6th मंत्र है। अन्ना वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणु रपायत, यानी कि प्रविष्टा देवा सलिलानी, जो पिछला वाला था वो मैं आपको बताना भूल गई कि जो प्रविष्टा देवा सलिलानी से ये सिद्ध होता है कि जल में देवों के प्रवेश के लिए स्थान है। और इससे ज्ञात होता है कि जल जो है वो अखंड अविभाज्य या अविभक्त वस्तु नहीं है। इसी प्रकार सोना, जैसे सोना होता है वो भी अखंड और अविभाज्य नहीं होता है। तपाने पर सोने के रेणु जो है मॉलिक्यूल्स कांपते हैं जब हम उसको गर्म करते हैं।
तो जल और सुवर्ण आदि के भीतर खाली स्थान है, अतः उसे कांपने के लिए स्थान मिल जाता है। तो एटम के अंदर भी पोल है, इसे इलेक्ट्रॉन्स और उसमें जो है वो गतिशील रहते हैं। और ऋग्वेद में रेणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के कंपन का को नृत्य, रेणुओं का नृत्य कहा गया है। जो मॉलिक्यूल्स का कांपते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब रेणु, तो जब ये कांपते हैं तो समझ लो जैसे ये नृत्य कर रहे हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से जो है वो नृत्य कर रहा है। जल या सुवर्ण आदि को तपाने पर वह नृत्य देखने को मिलता है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72 अध्याय के 6वें मंत्र में कहा गया है। अब जल का विराट रूप, तो यजुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो 13वें अध्याय के 53rd मंत्र है। अपाम त्वेमन साधयामि अपाम त्योद्यन। तो जल के विराट रूप का इसमें वर्णन किया गया है। जल स्थूल और सूक्ष्म रूप में कहां कहां विद्यमान है और किस रूप में इन तत्वों को प्रभावित करता है, इसका सूत्र में सूत्र रूप में निर्देश है कि कहां कहां वो विद्यमान है और किन किन तत्वों को जो प्रभावित करता है। अब जो जल के गुण हैं, तो अथर्ववेद के 2वें मंडल के 23वें अध्याय के 1 मंत्र से 5वें मंत्र तक आपो यद वो तपः हरः अर्चिः शोचिः तेजः। और तो इसमें जो है वो जल के 5 गुणों का वर्णन है। तपस मींस गर्म होना, गर्मी देना, ताप या संताप। हरस का मतलब है दोष या मल को दूर करना, स्वच्छता प्रदान करना। अर्चिस मीन्स तपाना, उसको रगड़ से विद्युत का उत्पादन करना और उत्तेजना देना। और शोचिस का मतलब है प्रकाश देना, दाहकत्व और शोधकत्व। तो और तेज मतलब तेज, कांति, सौंदर्य, लावण्य वगैरह। तो ये जो है वो जल के 5 गुण हैं, यानी कि गर्मी देता है, दोष या मल को दूर करता है, रगड़ से उसकी जो है वो विद्युत उत्पन्न होती है और प्रकाश देता है, और तेज या कांति देता है, सौंदर्य देता है। और ऋग्वेद का 7वें मंडल का 49th अध्याय का 3रा मंत्र है मधुश्चतः शुच्चयो याह पावकास्ता आपह। तो ऋग्वेद का जो एक मंत्र है ये, इसमें जल के 3 गुणों का जो है वो उल्लेख है। और मधुश्चतः मीन्स मधु या मधुरता देने वाला, जिनके द्वारा अर्क, आसव, सुरा या सोमरस तैयार किए जाते हैं। और शुचय मीन्स दोषों या मल को निकालकर स्वच्छता प्रदान करने वाला। और पावका मीन्स दोषों को जलाने, शुद्ध करने या पवित्रता प्रदान करने वाला। ये 3 इसके गुण हैं। जल से सृष्टि की उत्पत्ति, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 82 अध्याय का 6 मंत्र है तमिद गर्भम प्रथम दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे। तो जो ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये इसमें प्रश्न किया गया है कि सर्वथम सृष्टि का बीज जो है वो किसमें पड़ा। तो अगले मंत्र में इसका उत्तर दिया गया है कि जल में सबसे पहले सृष्टि का बीज पड़ा, और जल में सभी तत्वों यानी देवों का समावेश है, और सारे देवता जो हैं वो जल में विद्यमान है। और यजुर्वेद में भी 27th अध्याय के 25वें मंत्र में कहा है आपो यद बृहति विश्व मायन गर्भम दधाना जनयंतीर्गनम। तो इसमें ये आंसर दिया गया है कि जल में जो है वो सर्वथम सृष्टि का बीज पड़ा और उससे अग्नि उत्पन्न हुई।
और ऋग्वेद के एक और मंत्र है जो छठे मंडल का 50th अध्याय का 7वां मंत्र, आपः विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः। तो इसमें कहा गया है कि जल सभी चर और अचर जगत को जन्म देने वाला है। जल से विद्युत का आविष्कार, ऋग्वेद के पहले मंडल के 143 अध्याय का पहला मंत्र है, अपाम नपाद योस वसुभिः सह प्रियः। तो अब ऋग्वेद और यजुर्वेद में जल से अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन है। अग्नि को अपाम नपात, ये अग्नि को अपाम नपात यानी जल का पुत्र कहा है, और ये भी कहा है कि वह वसुओं यानी पृथ्वी आदि के साथ रहता है। तो पृथ्वी के साथ रहता है और ये कहा गया है कि वो पृथ्वी के साथ रहता है, और जल को अग्नि की माता बताते हुए कहा गया है कि माता रूप जल ने अग्नि को जन्म दिया। ये दूसरा वाला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 91 अध्याय का 7वां मंत्र है, तम आपो अग्निम जन यंत मातरः, यानी कि अग्नि को की माता, जल को अग्नि की माता बताया गया है कि माता रूप जल ने अग्नि को जन्म दिया। और अथर्ववेद के 18वें मंडल का तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र है, अग्ने पित्तम अपाम असी, यानी कि अथर्ववेद में अग्नि को जल का पित्त यानी ऊष्मा कहा गया है, अर्थात जल के घर्षण से अग्नि यानी विद्युत का जन्म होता है। तो अब हमारे ये स्लाइड्स खत्म होते हैं आज इसके विद्युत के, जल जल से संबंधित कि कैसे जल जो है वो उसी में सृष्टि का पहला बीज पड़ा, और जल जो हमेशा तैयार रहता है उसमें परीक्षण किया जा सकता है, और ये सारे। तो ये समीर जी आज हैं, इनको होली मुबारक। मैं मुझे जहां तक याद है ये वो एक्स मुस्लिम समीर है ना, समीर जी क्या आप एक्स मुस्लिम हैं? आप लास्ट टाइम आए थे हमारे शो में, तो आज आप बातचीत करना चाहेंगे? पहले आप ये बताइए कि आप क्या एक्स मुस्लिम हैं, तो मैं आपके साथ एक रख सकती हूँ अभी लाइव। तो आप मुझे ये दे दें यहाँ पर आंसर लिख के कि आप क्या एक्स मुस्लिम हैं, या आप अभी मुस्लिम ही हैं और आपके पास कोई सनातन के ऊपर प्रश्न है। आप को भी होली की मुबारकबाद जी। समीर जी आप के सनातन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, क्या आप मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम हैं, ये और मुझे बता दीजिए। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ आपका, मैं 2 मिनट वेट करूंगी फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी अगर आप आते हैं तो। अभी ज्वाइन नहीं कर सकता मैम। अच्छा अभी तो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वैसे बता दीजिए आप मुस्लिम हैं एक्स मुस्लिम हैं। आई एम नॉट एक्स मुस्लिम समीर। अच्छा तो आप मुस्लिम हैं, तो आप कुछ कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आपने, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं सनातन के ऊपर, या कोई भी आपके प्रश्न है तो मैं ले सकती हूँ। तो आप क्या सनातनी हैं? आप एक्स मुस्लिम नहीं हैं, तो आप क्या सनातनी हैं? या आप मुस्लिम हैं? क्योंकि समीर नाम ना ऐसा है कि हिंदुओं में भी होता है, तो नो किस बात के लिए? आप बहुत कम कम लिख रहे हैं यहाँ पे, कौन आपको पकड़ने वाला है इस बात के लिए? तो आपको क्या छुपाने की जरूरत है? अच्छा ये सिख हैं, ठीक
ठीक है, तो मुझे नहीं पता फिर आपको इतना। तो समीर जी, आपने नाम आपने आप सिख हैं तो आपका नाम थोड़ा फर्क है जो जनरली सिख रखते हैं उनसे, तो मैं पहचान नहीं पाई। तो आपको कुछ कहना है अपनी तरफ से या आपको कुछ बातचीत करनी है? मैं आपको इनवाइट भेजूं? तो ठीक है, फिर मैं इस को एपिसोड को यहीं पर, स्ट्रीमिंग को यहीं पर। तो मैं एक और लिंक खोलनी पड़ेगी ना नागेंद्र जी, इस वाली, ये तो रसायन वाली है, वेदों में विज्ञान की है, तो इसको मैं नहीं करके एक और स्ट्रीम खोलने के लिए इसीलिए पूछ रही थी। अभी माफी चाहूंगा। ठीक है समीर जी, आप जब जब फ्री हो तो आप मेरा जो वो है ना ईमेल, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट करके और मेरा वो बता मुझे बता सकते हैं कि आप कब आएंगे। अगर आप कल, जी सॉसेज वेज थी, ये सीख हैं और ये कल आ सकते हैं, तो मेरे को ईमेल पे आप बता दीजिएगा आज के आज कि आप कल आएंगे, तो मैं उसी हिसाब से आपका थंबनेल बना दूंगी। तो आप सबको होली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहें, होली जरूर खेलें, और मेरी ये वीडियो जो है वो आगे प्लीज शेयर करें। ये वाली उपनिषद वाली नहीं, ये वेदों में विज्ञान वाली, इसको जरूर हर एक वीडियो को आप शेयर किया करिए। मुझे सपोर्ट करना है तो इसको दो लोगों को, हर एक व्यक्ति को जो है वो आगे शेयर करना है इस वीडियो। और हैप्पी होली, बाय।